गया जिस आदमी ने वो काम किया उसके साथ मोटिवे इंसिडेंट पे इन फ्रंट ऑफ हर थ्री किड्स इमरान खान रिहा हैं गुजराल शेर पढ़ा था मक्तल में गया शान तो शान सलामत रहती। ये जान तो आने जान की कोई नहीं है आप, की। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि सतारा जज जो है वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उन सतारह में से आपने दस जजों को पोलिटिकल केसेस आपको अगर एक बंदा बल्ले का निशान लेने के लिए रातों रात अपनी अपील लगवा सकता है पाकिस्तान की अवाम के मसले जो है वो ये बल्ले और ये सारे किसी तो नहीं है किसी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हुई है पहले माजी में क्या है ऑफ वन माय फेवरेट हैं वो आए तो उन्होंने आके बैठे काउंसिल में गाली निकाल दी किसी को नॉट में से किसी को उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे किस तरह बुला सकता <laughs> सलमान राजा साहब से जब मैंने फर्स्ट टाइम केस जीता <laughs> मुझे कहते ना, काम पे है तो वो वाकई बंदा हिलता है पाकिस्तान में लोग बड़ा कैंडेडली आके कहते मारे जी बंदा करो अब आज क्या कहते ना नीली कोड़ी जो वकीला तेरी जो पहली पेशी यार छोट जाए वो गाने एवं नहीं बने हुए बिसम रहीम फ़रू बड़ा शो में खुश आमदीद आज हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और इनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे बरिस्टर अहमद पन्सोता साहब हमारे साथ, साथ मौजूद हैं बड़े ही शानदार वकील अब मैं कहूँगा तो वो दोस्ती वाला एक एलिमेंट आ जाएगा लेकिन मैं आगे चल के कुछ वाक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे वो केसेस हैं और बड़ी पाकिस्तान की मरूफ़ शख्सियात केसेस उनके वकील बने ये फिर जीते भी और पाकिस्तान में कहीं पे कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो फिर बैरिस्टर अहमद पंसोता भी कहीं पर नाम आएगा जो उसको रोकने के लिए पेश पेश होंगे इनकी ज़िंदगी की कहानी ये क्या कर रहे हैं और इस वक्त जो पूरा क्राइसिस है अदालतों में उसके ऊपर इनकी क्या राय है ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में इनसे पूछेंगे बहुत शुक्रिया जनाब आप तीफ़ ला लियर भाई तो सबसे पहले तो ये कि अपने बारे में बताएं कहाँ से ताल्लुक़ है कहाँ पर पढ़े और वकील ही क्यों बनाए मैं फ़ारोख़ भाई बुनियादी तौर पर मेरा तल्लु फ़ैसला से है और uh, मैं ज़्यादातर लाहौर रहा हूँ बिकॉज मेरे वालद साहब एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है पुलिस में नौकरी करते थे रिटायर्ड एज अडिशनल आई जी पंजाब तो उनकी नौकरी जहाँ जहाँ चलती थी हम साथ साथ चलते थे बट एक टाइम आता है पुलिस की नौकरी में आप स्टेबिलिटी आ जाती है कि आप फैमिली को कहीं ना कहीं बेस कर देते हैं सो आई स्टडीड इन लाहौर एच कॉलेज लाहौर से मेरी तालीम है जी बुनियादी जो उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर एक एक्सटर्नल प्रोग्राम ऑफर करता है वहाँ से लॉ किया और फिर बार लॉ करके पाकिस्तान वापस आ गया जो सवाल आप मेरे से बहुत दफ़ा होता है कि वकालत क्यों और उसके मोस्टली लोगों ने जवाब याद किए होते हैं कि पाकिस्तान में ये करना है पाकिस्तान में वो करना है मेरा रीज़न जो है ना जी वो बड़ा एक मोहब्बत वाला रीज़न है बिकॉज मेरी वालदा जो है उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वकालत करूँ और अच्छा उनकी ख्वाहिश की बेसिस भी पाकिस्तान में एक पर्सनैलिटी है वो है एतजाज़ अहसन साहब और वो बड़ा उनसे इंस्पायर्ड थी मैं खुद चौई साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो उनको इंस्पायर इंस्परेशन बना के उन्होंने कहा कि तुमने वकील ज़रूर बनना है तो मैंने फिर वही बारट लॉ किया उनका एक कोर्स एच सोनियन भी थे वो सारा किया बट ऑफ कोर्स जो उनकी एक पोजीशन है इन द फटर्निटी वो तो शायद पता नहीं हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते नहीं। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर इंसिडेंट सुना देता हूँ हमारा एक लिंकनजन का इलेक्शन था तो मैं उसके लिए कैंपेन कर रहा था मैं ख़ुद कंटेस्ट कर रहा था मैं कराची गया तो वहाँ चौईस साहब टहलते टहलते चौसी साहब बड़ा टहल के चलते हैं तो वो मुझे मिले तो मेरे से आके हाथ पकड़ लिया तो वह काफ़ी सारे वकला खड़े थे ने लोकी मीनू सुन देने तो मैं इन्हों सुना है अच्छा। यानी कि लोग मुझे सुनते और मैं इसको सुनता हूँ मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था उनकी बड़ी मेहरबानी थी ये बता रहा कि कितने बड़े आदमी हैं अंदर चले गए एक वहाँ पर सेपरेट रूम है फॉर सीनियर लॉयर्स वापस आए मैं वहीं खड़ा था कैंपेन कर रहा था मेरा हाथ पकड़ के फिर उन्होंने कहा उन्होंने कहा लकी मीनू सुन देने मैं इनू सुनना है सो so, बताना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा शख्स है कि उसको इस चीज़ की जरूरत नहीं थी लेकिन उसकी वजह से सिंध के अंदर मेरी जो कैंपेन थी वो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हो गई और वो इलेक्शन अलमदुल्ला बाद में जीते भी पाकिस्तान की सोसाइटी उधर जाके लिंकन जिन में बारह एक जो उनका था कमेंट वो ही काफ़ी था आपके लिए ये में बताने की कोशिश मैं ये करूँगा कि कितने बड़े आदमी हैं सो आई आई ऑलवेज वांटेड कि मैं उन जैसा वकील बनूं, और ये था। से थी ये है उनको बहुत शौक था कि ये वकालत करे वैसे तो एक सिविल सर्वेंट के घर पैदा हो तो एक बड़ा प्रेशर होता है कि आपने सिविल सर्विस करनी है लेकिन मेरे वालद साहब की तरफ से बड़ा एक क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि यार कुछ कर लेना सिविल सर्विस ना करना बिकॉज इसमें एक आपको ना एक सबजुगेशन एक सबॉर्डन जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है जिस टाइम पर उन्होंने नौकरी की बहुत अच्छी नौकरी थी बट अब आहिस्ता मुश्किल काम है फिर दहशत गर्दी ये सारे मामला ऐसे आते हैं कि इंसान की एक नहीं जी मैं तो कभी एग्ज़ाम में पेश हुई लॉड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन और आपको पता है पाकिस्तान में नंबर वन एग्जामिनेशन है किसी तरह तो लेकिन ये था कि मैंने कितने साल आप गुजर गए मुझे सर मैंने 2003 में वकालत शुरू की थी जून में और मैंने आगाज़ किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी रिटायर्ड जज जस्टिस एजाज़ुल्हसन साहब के साथ और वो उस टाइम वक़ालत में थे और बड़े अच्छे वकील थे माशाल्लाह तो उनके साथ काम किए दो तीन साल फिर 2006 में मैं इंडिपेंडेंट हो गया बीच में एक साल के लिए मैं बारट लॉ करने गया और अब लगभग बाईस साल हो गए इस काम में जी और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी अब तो पाँच छः साल हो गए तो ये एक जर्नी है जो मजे से चल रही है जी और इंजॉय तो करें क्या एक वकील को एक अच्छे वकील को आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं इधर कितना पढ़ना पड़ता है कितना उसके लिए ज़रूरी है उसके बाद ये कि आपकी अपनी मसरूफियात क्या है यानी एक तासर तो ये है कि हम देखते हैं हमारे भाई हैं मुख्तफ कोर्ट्स के बाहर हम देखते हैं कि भाई वकला ही वकलाएँ बड़ी तादाद है अभी कल ही मुझे किसी ने बताया जो लॉ के बड़े हैं टीचर हैं उन्होंने बताया कि जी इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं एफ़िलेटेड तकरीबन नाइनटी कॉलेज हो चुके हैं लॉ के तो इसका मतलब ये है कि हर साल कितने ही बैच आ रहे हैं नए मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप स्कोप क्या है इसका आपकी मसरूफ़ीत क्या है यानी आपने अपने आप को इस्टबलिश कर लिया है ताकि नए देखने वाले हो सकते हैं कई लोग आपको देखे कहीं यार हम ये बनना चाहते हैं तो अपनी मसरूफ़ीत बताएं कि होता क्या है कितना पढ़ते हैं कितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचें और भाई जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस फील्ड के बारे में एक बड़ा मिस नोमर होता था एक ज़माने में बल्कि पंजाबी की मिसाल होती थी मैंने गांव में जब वकालत की ना मेरी दादी पूछती थी कि क्या कम करते हैं तो मैं कह जी वकालत कहते हो तो ठीक है थी, थी, कम की कर कम की करना और इसी, इस... तो इसी तरह एक और आदमी मुझे मिले भी, भी कहा जाता है इसी तरह एक और साहब मुझे मिले तो उन्होंने कहा जी कि जो कोई मुंडा खोना हो जाए उन्हों तो उन्होंने इमाम मस्जिद बना देंगे तो थर्ड डिवीजनर हो तो उन्होंने लॉ करा दें ये पाकिस्तान के अंदर एक खाम खा का तासुर बन और गया ये भी है कि भाई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको मुझे अच्छा अब हुआ यह कि ये जो फ़ौर तालीम और बच्चों का एक रुझान इस तरफ आया और बड़े पढ़े लिखे बच्चे इस तरफ आए उससे इस फील्ड की थोड़ी सी इज्जत रिस्टोर हुई और सबसे रिस्टोर ज़्यादा तब हुई जब चीफ जस्टिस उतार चौधरी के टाइम पर मूवमेंट चलाई तो लोगों ने कहा कि यार इस शोबे में भी कोई एक वो ख़ानदानियत है या इस शोबे में भी वो चीज़ नज़र आई है कि खड़े हुए हैं रूफरुल of law and sovereignty of the constitution मैं ज़ाती तौर पर जी वकालत को ये समझता हूँ कि इसमें एक्चुअली वो अंग्रेज़ी के मिसाल सुनते हैं ना कि देर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप वाकई है मैंने अगर आज केस तैयार किया हुआ है और सुबह मेरा केस लेट से पाकिस्तान के सबसे नामवर वकील के साथ भी और ऐसा हुआ है कई दफ़ा अगर उस दिन मैंने उस ग्राउंड पर उस कोर्ट में उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे दी तो मैं केस जीत जाऊँगा hmm. और अगर उसकी परफॉर्मेंस मेरे से बेहतर हुई तो, तो वो जीतेगा Not... ये नहीं देखा जाएगा आपकी उम्र क्या है अनुभव कितना है क्या है एग्जैक्टली एक्सेप्ट फ्यू केसेस जब कोई पॉलिटिकल केसेस आ जाए जा तो उसमें चीजें और आ जाती हैं बट एक मैं डिसेंट सिविल केस या क्रिमिनल केस की बात कर ना ये हुआ है बेशुमार दफा हुआ है चलो यहीं से भी स्टार्ट करते हैं कौन से आपको झटका लगा होगा यार ओहो इनके साथ करना पड़ना आरो सर मेरी सबसे जो बड़ी अभी मैंने आपको ड्रीम था वो था कि जब मैं चौईस साहब के साथ पेश हुआ था तो चौईस साहब की वहाँ पर भी मैं ये बताऊँगा कि हम बहुत एक इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का केस था ये पी की बिडिंग का केस था जो कि ए को मिल गई थी और जियो को नहीं मिली थी तो वो चैलेंज जियो ने किया हुआ था तो मैं पी को रिप्रेजेंट कर रहा था ठीक है तो चौईस साहब पेश हुए तो चौईस साहब ने आगे कहा जी कि मेरी तो इतनी तैयारी नहीं है अहमद के बहस करेगा अब ये बात सरासरी गलत थी हो ही नहीं सकता कि उनकी तैयारी ना हो सो उन्होंने मुझे कहा आप शुरू करें और मैंने बहस शुरू कर दी खैर वो बहुत अच्छा बोला बल्कि वो जज साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट में शायद वहीद साहब उन्होंने भी एक दो वकला को कहा कि बड़ा अच्छा बोला बच्चा और एंड आई वॉज वेरी हैप्पी लेकिन उसके अंदर बुनियादी तौर पर मेरे साथ साहब आप उनकी ये इतनी बड़ी बात कहना थी और मुझे वो देना इसी तरह बहुत सारे और वकलाँ हैं जिसमें अली जफ़र साहब हैं फिर मैं समझता हूँ सलमान राजा साहब से जब मैंने फर्स्ट टाइम केस जीता आज से बहुत पुराना एक प्रोक्योरमेंट का केस ये था कौन सा तो केस था ये सर एक बेसिकली एक कंपनी थी उस प्राइवेट कंपनी थी लेकिन उसका एक सरकारी उसको ये हमारे झेलम में एक कनाल बनाने का प्रोजेक्ट मिला था एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट था और बड़ा बिलियंस में था डॉलर्स उसमें ठीक ठाक इन्वॉल्व थे तो इन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ था कि ये सही तरह नहीं दिया गया और जिस कंपनी को वो अवॉर्ड किया गया था मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सलमान राजा साहब दूसरी तरफ तो सब सलमान राजा साहब के साथ मैं खड़ा था तो मुझे अभी भी याद है वो फ्राइट वो एक टागे कांपने एक्चुअली टांगे कांपती हैं ये नहीं कि नहीं वाकई वो जैसे कहते हैं ना कांपे टांगती हैं तो वो वाकई बंदा हिलता है तो राजा साहब ने जब बोलना शुरू किया तो मैं तो बिल्कुल एक घबराहट थी और राजा साहब माशाल्लाह केस के अलावा भी एक बहुत ज़बरदस्त लीगल तकरीर करते हैं जो कि जज को बड़ी इंस्पायर करती है खैर उसके बाद मैंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ करके वो किया और वो केस हम जीत गए जब हम बाहर निकल रहे हैं मैं आपको इन बड़े लोगों की बातें बता रहा हूँ और ये अक्रॉस पार्टी लाइन बता रहा हूँ कौन किस पार्टी का है कहाँ का है राजा साहब बाहर निकले तो वो दूसरी साइड जो मेरी साइड के बंदे खड़े थे उनको निकल के कहते हैं सलाम करके कि अगर आप इसको वकील ना करते तो शायद मैं केस जीत जाता ये बहुत अच्छा वकील है अच्छा वो कह के तो चले गए लेकिन उसके बाद उस क्लाइंट ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा और मेरे साथ हैं सो ये बड़े लोगों की जो निशानी होती है ना वो ये छोटी छुट छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप लर्न करते हैं एंड इसी तरह बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं जो कि प्रैक्टिस में उनके साथ वकालत की तो आ, कोई ऐसा केस जिसमें एक तो इस तरह के केसेस हैं जिनकी नोयत ये है कि इसमें बिलियन डॉलर्स इन्वॉल्व हो गए हैं और ये बड़ा केस बन गया है क्योंकि इसमें मालियत का भी तो होता उत्तर वो आपकी ज़िंदगी का कौन सा बड़ा केस ऐसा होगा सर देखें मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि कुछ केसेस हर केस की ना एक वो ब्रैकेट है हाँ। जैसा लड़ से अगर आप मुझे पूछेंगे सबक वजी इमरान खान साहब का जो केस है वो इसलिए बहुत बड़ा केस है क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस आदमी का एक स्टैचर है तो इमरान खान काट का से एं, एं, शायद नवाज शरीफ का हो या परवेज मुशरफ का हो, किसी का हो एक बड़ा नाम होता है बट अगर आप कहें कि आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस तो वो शायद मेरा एक एक कमर्शियल केस जिसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी जो राजा साहब के साथ और उसके साथ साथ जो मैंने पीटीवी वाला आपको केस बताया था वो भी बहुत तो पी टी पीटीवी वाला भी आप जीत गए अलहमदिल्ला जी जिनसे जीते थे वो सर उसमें मेरे मुखालिफ साइड पर तो कराची से लॉयर आते थे, थे चौधरी एतजा साहब मेरे को काउंसिल थे लेकिन अब उन्होंने सारी टीम चेंज करके तो अभी तक वो अपील्स में केस पेंडिंग है और वो कोशिश हुई कि वो किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट वापस हो लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था फोर बिलियन के राइट्स दिए गए थे और वो फिर भी उसको चैलेंज किया गया था फोर पॉइंट थ्री फाइव बिलियन बिलियन पाकिस्तान <laughs> हाँ जी और बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट था <laughs> एक मैं अभी रिसेंटली केस किया है अभी वो है तो पॉलिटिकल केस बट उसमें तैयारी जो है ना जी वो इस लेवल की करनी पड़ी थी कि शायद मुझे बड़ी देर बाद तीन चार रातें जागना पड़ा था और वो भी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तीन सीटें वापस ली उनमें से मैं एक जो एम एन ए थे उनका वकील था केस तो मैं वो हारा रहा हूँ बट उस केस की तैयारी का जो मज़ा था और वो जिस तरह उसको अप्रीशिएट किया गया और बाहर निकल के फिर जजेज ने अप्रीशिएट किया और फिर काजी साहब ने जो ईसा साहब है वेरी काइंड कर उन्हें मुझे कहा कि योर आर्ग्यूमेंट आर वेरी जैसे कहते हैं एंड ही लाइक तो तो कई दफा केस हार के भी अब करते नहीं हैं। तो ये वो बात ही नहीं बुखारी नहीं। साहब ने कहा था कि भाई वकील कभी नहीं हारता वो बुखारी साहब ने तो जी कह दिया लेकिन मैंने अगर कहा <laughs> मेरे जाना। बिल्कुल हारता है जी उसकी वजह आप है। कहते हैं हारता है। मैं समझता वकील इस सिचुएशन में हारता है जब वकील की परफॉर्मेंस वहां पर ऐसी ना हो जो है आप कह रहे हैं कि मैंने इंसाफ किया मेरे क्लाइंट को पता है कि मैंने वहां पर जब खड़े होकर दलाइल दिए हैं तो उससे पता चला यार वाकई बल्कि फिर मुझे मेरी चूंकि तबीयत में थोड़ा सा ह्यूमर है तो वो हमें सब शुरू शुरू में ना तो मुझे एक मुल्तान के वकील साहब थे सयाल साहब बल्कि उनके भाई एम पी ए थे नजब सयाल तो नजब सियाल के बड़े, बड़े भाई जो है ना वो वकील थे बैरिस्टर उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की थी बैरिस्टर बनने में तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बात सुनाई उन्होंने कहा मुल्तान के वकील बहस कर रहा था तो बहुत बोला वकील तो जब बोला तो एंड में केस खिलाफ हो गया तो उनके क्लाइंट से किसी ने पूछा नाराज नहीं हो सारियां वकील भोंका बड़ा है जी मजा तो <laughs> कहने का मकसद ये like. अगर आप मुझे वकील पाकिस्तान में तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कोर्ट जाके बोले तो सही ना नहीं है कि अंदर जाके खामोश खड़ा हो तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जब हम बोलते हैं सो पीपल इन्जॉय इट तो इसी तरह जो आपने जो के इंटरेस्टिंग केस पूछा है, जो कि आपकी पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है जब मुझे एक पाकिस्तान की मशहूर टॉकर एंड डॉली उन्होंने इंगेज किया था अपने केस आ, के ये के। वैसे लास्ट एक इंटरव्यू में भी बात हुई exactly. क्या वो केस था मुझे भूला है वो फर्क भाई केस तो बड़ा अजीब सा था क्योंकि जब मुझे इंगेज किया गया तो मैं सोच रहा था करूँ ना करूँ लेकिन करने का फायदा ही हुआ एक तो मुझे ये पता लग गया कि उसके ऊपर बेचारी के ऊपर झूठा इल्जाम अच्छा एंड शीज अ वेरी नाइस पर्सन मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है उनके भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट थे तो उन्होंने इस तरह बहन का केस आपने करना है वो खैर उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मरगला हिल्स में आपने पहाड़ियां जला दी हाँ। आग लगा दी वो टिकटॉक बनी थी उनकी जो बड़ी वायरल हुई उन्होंने कहा जी इन्होंने अपनी टिकटॉक बनाने के लिए ये आग, आग लगाई और हुआ ये कि वो इधर से हज़ारा से कहीं से निकली हैं सॉरी ये हरिपुर से मोटरेवे पे डली हैं तो सामने ऑलरेडी किसी ने आग लगाई हुई थी एक छोटी सी पहाड़ी पे कि यहाँ से वो सांप सपोलिया भगाते ना आप तो खुद ध्यान से जी है कि वो भगाने के लिए होता है कि वो जला उन्होंने कहा जी फ्रेम बड़ा खूबसूरत है उन्होंने अपने चलो टिकटॉक बनाते हैं और बाद में सारे रेजिडेंट्स वहाँ के आए जो लोकल्स थे सारे उन्होंने भी देखा ये वो सारा उसके बाद खैर वहां से निकल गई जब वो निकली तो मरगला हिल में एक दो दिन बाद आग लगी उन्होंने कहा जी ये आग डॉली टिकटॉकर ने लगाई है और तो वो उनके ऊपर एफ आई आर और यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे तो तूफान आ गया था। और बल्कि ये एफ जो हुई बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बेल हमारी ली वो ये जो आजकल जज साहब जिनके ऊपर बड़ा एक इल्ज़ाम तराशी चल रही है तारिक जहांगीरी साहब इन्होंने मेरी बेल ली ठीक है और इन्होंने सिर्फ दो तीन सवाल पूछे और मुझे इतना आर्ग्यू नहीं करना पड़ा बट उस केस की जो एक कवरेज थी ना मतलब हाँ, पाकिस्तान का हर बंदा मुझे फोन करके कहता था जी आप डॉली के वकील हैं बताएं है, उसके उसने उसने तो असल में आग लगाई होगी ये भी एक परसेप्शन है पाकिस्तान में तो आ, आ, आप, आपने जब पहले केस लिया तो आप उनको नहीं जानते थे कि ये टिकट कर रहे हैं ये वो नहीं मुझे फ्रैंकली मुझे ये पता था कि टिकटॉकर हैं मैंने कभी चुके उस तरह के टिकटॉक्स फॉलो नहीं की मैं तो मेरा तो अपना टिकटॉक अच्छा उसके बाद मजे की बात मेरा टिकटॉक अकाउंट बनवाया गया बनवाने के बाद मुझे जीरो फॉलोअर्स पर उन्होंने ब्लू टिक दे दिया आप तो पाकि... और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की जो नंबर वन टिकटॉकर हैं इन टर्म्स ऑफ uh, ये जन्नत मिर्जा जन... वो भी मेरी क्लाइंट है और नंबर टू पे ये हैं वो भी मेरी क्लाइंट है तो जन्नत जो है उसके तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स वाले एक दो दफा लिखे हैं वंस अगेन अ वेरी नाइस पर्सन और डॉली का भी मैं कहूँगा क्योंकि एक परसेप्शन आपकी जब लोग टिकटॉक्स देखते हैं ना तो ये आती है कि आपकी एक डिफरेंट है और भी होगा रिश्तेदार नेकी है मैंने कहा मकसद ये है सीरियस और नॉन सीरियस एक एक शख्स को इंसाफ चाहिए वो मुझे इंगेज करना चाहता है और ये तो नहीं तो लो, लो, है कि मैंने वहां जाके टिकटॉक बनानी है अदालत में मैंने वहां जाके काम है ये बताएं कि ये ये तो इस नोत हैं जो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं इन लोगों की वजह से आप खुद क्या देखते हैं कि यार जो बंदा आपके पास लेके आ रहा है एक बड़ी सीधा सीधा फार्मूला लोग कहते हैं जी वकील को देखना चाहिए कि क्या उसका क्लाइंट सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है और कुछ वकील कहते हैं नहीं भाई वकील सिर्फ केस लड़ता है उसको इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि उसका क्लाइंट झूठा है या सच्चा है उसने उसको सच्चा साबित करना है आपकी क्या है अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इसमें मेरी एक टेक डिफरेंट है देखें हर आदमी का राइट है टू बी रिप्रेजेंटेड इस्लामिकली फंडामेंटल राइट है उसका कि उसको एक वकील मिले लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में मेरी अपनी प्रैक्टिस ही है वंस अगेन उसमें मेरा एक मेरी वालदा का बड़ा इंपॉर्टेंट अमल दखल है उन्होंने कहा था टी वी बैठ के झूठ बोलना और ना बैठना और अगर किसी आदमी ने आगे कहा मैंने ये काम किया है उसको रिप्रेजेंट करो तो प्लीज़ ना करना ये मेरी तुम्हें रिक्वेस्ट है अगर कहा है कि जी मैंने कत्ल किया है मैंने फलां किया मैंने डकैती की तो मुझे रिप्रेजेंट करो तो तुमने नहीं करना अच्छा होता ही है पाकिस्तान में लोग बड़ा कैंडिडली आके कहते हैं मारे जी बंदा करो

और तुसी बस बंदे कटाओ मैं सॉरी मसला ये है ना फारूक भाई आज मैं किसी बेकसूर आदमी को फर्ज करे मेरे आर्ग्यूमेंट के एक कसूरवार बाहर आ जाता है hmm. तो कल को फिर उल्टा मेरे पे भी पड़ना है मुझे भी इसका कोई ना कोई बैक तो किसी ना किसी टाइम पे जिंदगी में आएगा कि फिर वो अल्लाह ताला का इंसाफ भी तो एक है सो so येस yes, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो सरकारी वकील मिल जाएगा जो उसके लकूनाज बता देगा लेकिन सारा केस इम्प्रूव करके आपको पता ही है जी मैं मतलब आई विल नॉट लाइक टू कॉमेंट मेरे हमारे वकला करते हैं कह रहा कि तो अगर आपकी जो थ्योरी है इसको मान लिया जाए तो पाकिस्तान में तो हमारे क्रिमिनल्स को वकील ना मिले सर वकील मिलना नहीं चाहिए उस तरह सरकार अपॉइंट करे सरकार तो चलो दे ना लेकिन कलेक्टिव देना जो है जो मैं तौर पर समझता हूँ मेरा है मैं वंस अगेन मेरे दोस्त हैं सब भाई हैं मैं किसी से वो नहीं करता हर एक का अपना व्यू है मैं कोशिश मैक्सिमम ये करता हूँ कि रिप्रेजेंट ना करूँ किसी ऐसे बंदे को हो सकता है शायद जिंदगी में दे क्रिमिनल में तो मैंने बिल्कुल नहीं किया लेकिन आप कह रहे हैं मैंने जानते हुए किसी क्रिमिनल को नहीं किया नेवर क्रिमिनल तो मैं 100 कह सकता नहीं किया सिविल में ये होता है ना कि फिर एक रूम होता है बहुत सारा कि फ्रॉड है एलिगेशन है फलाना है ये उसमें सौ बातें होती हैं सौ डिफेंस तो इसमें फिर ऐसा भी हुआ कि कभी करोड़ों की जनाब आई है चीज़ और आपने ठुकरा दी और बाद में सोचा ही आ रहा है करोड़ों की फीस ऑफर जरूर हुई है बड़ा ऐसी जगह से हुई जब मैं आपको बता नहीं सकता हुई जरूर है हुई जरूर लेकिन अलहदुल्ल अल्लाह कोई खास करम है कोई मैं समझता हूँ कि कोई हमारे पे कोई खास अल्लाह का करम है कि उस टाइम पर अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी कि आपने व यू बिलीव इज राइट उसके ऊपर खड़े हों और वो क्योंकि अब आपको पता है कि मैं ऑफ लेट बहुत ऐसे सारे केसेस भी करता हूँ जिसमें पोलिटिकल नेचर है बहुत सारी कई जगहों पर फिर आपको अप्रोच भी किया जाता है सो so, येस yes, मैंने कहा एक जगह पर कि मैं नहीं करना चाहता यह केस ऑफ कोर्स फीस बहुत, बहुत बड़ी थी लेकिन अलमदुल्ल की जात है वो वो तो ना बताएं लेकिन फीस तो बता सकते हैं कि कितनी में होगी पहले पाँच का आ गया फिर उन्होंने कहा जी दस तक दस करोड़ की आप बात कर रहे हैं तो आपने कहा नो अल्लाह में आगे बताया किसी को मैंने एक चीज़ अपने साहब से शेयर की थी आते ही सबसे बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर और वो कहते यार मैं बड़ा खुश हूँ बिकॉज जब वो केस की नेचर उन्होंने सुनी ना तो उन्होंने कहा आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड क्लीस्ज इसी तरह बहुत सारे जब बड़े केसेस आते हैं ना जब आप देखते हैं शहरों में कि जी फिलहाल उसने गाड़ी चढ़ा दी उस पर ये कर दिया विदाउट नेमिंग द केसेस बिकॉज टाइम तो हमारी तो सोसाइटी में चीज़ चल रही होती है तो तब भी बहुत दफ़ा लोगों ने अप्रोच किया लेकिन मुझे टीवी परसेप्शन से पता लग जाता है या मैं देख लेता हूँ एक चीज़ अब इतनी अल्लाह ताला ने कल समझ दी है कि ये नहीं हो सकता कि आप जैसे गाड़ी निकालें चढ़ा के उसके बाद आप कहें जी कि ये मेरे से तो गलती हो गई है या मैंने फ़लाने गलती कर दी या फॉर देट मैटर किसी के ऊपर फायर कर दिया या कुछ कर दिया तो उन चीज़ों को भी मैंने कोशिश करके अवॉइड किया आप नहीं करते नहीं। नहीं। अच्छा ये इसी स्नारी के ऊपर बात करते हैं कि जब हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में थोड़ा एहतजाज भी बुलंद होता है ना कि यार ये फला औरत थी बिजनेसमैन की फलानी थी बेटी थी बीवी थी जो भी थी ये इसने कोई गाड़ी चढ़ा दी है या किसी से कुछ भी हो गया इस तरह के बेशुमार केसेस आते रहते हैं अभी रिसेंट वीक चल रहा है आप इसको किस तरह से देखते हैं कि बाद में एक बिल्कुल इस इस्लामी तरीका है कि आपका जो डैमेज है उसको अगर कोई आप कर लेते हैं तो आपस में तय कर कर लेते हैं आप क्या समझते हैं इसमें कि क्या इसमें स्ट्रेट को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए जो कि अभी ये बहस चल रही है दोबारा से या फिर अगर आपस में उनका लेन देन हो गया है ठीक है ओके पर भाई इस केस को देखने के दो तीन दाविया हैं सबसे पहला दाविया ये कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है एज अ लॉयर जी एज अटीजन ऑफ पाकिस्तान आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे हुआ है या वैसे हुआ वो एक टी वी अगर टी आपको रात को दिखा दे कि ये औरत गाड़ी नहीं चला रही थी तो आप ये बिलीव करेंगे कि ये औरत गाड़ी नहीं चला रही थी मैं लेट सी सी केस की एग्जाम्पल लेते हैं कार सा ठीक है दूसरी ऑप्शन ये कि वो दिखा दें कि यही गाड़ी चला रही थी और हर चीज़ बता दें तो हम विलीव कर लेंगे बिकॉज पहले तो नौ बजे का खबरनामा होता था आज से दस बीस साल पहले आप हर चीज़ आपको नजर आ जाती है

कि यार ये जबरदस्ती प्रेशर में आके तो लोग कहते हैं ये हाँ। ना वो हम भी मारे जाए लेकिन पैसे ले लेते हैं दियत एक बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है इस्लामिक प्रिंसिपल है हाँ। मैं तो बिल्कुल ही एक कुरान में जिक्र है मैं तो ये नहीं बोल सकता सही है गलत है मैं तो इसको हमेशा कहूंगा ठीक है लेकिन उसकी एक प्री रिक्विजिट है हाँ। अगर आपने दियत रिसीव करनी है तो आपने फ्री कंसेंट से करनी है ये तो नहीं है ना कि अगर आपको रात को कोई पावरफुल बंदा उठवा ले और उठवा के आप तो या फिर ये चीज जज ने इंक्वायर करनी है इसमें एक और चीज़ है जिस तरह ये ये कारसाज वाली ही बात करें अगर हम तो इसमें आप इस तरह से देखते हैं इसको कि यार ये जो बंदी है अगर ये नशे में है ये है वो है तब भी उन्हीं को ये माफ़ कर देना चाहिए कि स्टेट इसमें किसी तरह इन्वॉल्व हो सकती है कि यार ये इससे बड़ा नुकसान हो सकता था इस तरह से यानी मैं इसे कानूनी नुकतः से देख देखिए इस इस, इस, इस इशू को अगर एज इट इज़ लिया जाए जिस तरह दिखाया जा रहा है और ये चीज़ किसी हद तक साबित होगी कि उसकी बॉडी में ऐसे इंस्टेंसेस या वो सब्सटेंसेस मौजूद थे जिसके अंदर वो ड्राइव कर रहे थे तो फिर तो स्टेट ने एक अलहदा पर्चा दे दिया उसका अगर आप देखें नाकॉटेस का उस पर्चे का मर्डर वाले पर्चे से तो कोई ताल्लुक नहीं है वो तो उधर सुला हुई है अगर स्टेट इतनी आपको पता है वो भी सिंध की स्टेट है माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट है वो आप इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट है बड़ी और लेट्स सी हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड आई हैव ऑल द फेथ वहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे बड़े पसंद के हैं तो मैं समझता हूँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई इंसाफ करेंगे उस तरफ तो फिर वो इंसाफ करें ना अगर पहली तो बात है या तो फिर उन्होंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया खातून पर या अगर आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि उसने ऐसा सब्सटेंस कैरी किया तो वो भी किसी की लेट से वालदा है माया तो फिर उस चीज को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए या आप लगाएं ना अब हुआ ये कि वो एफ आई आर वहीं रहेगी वो इधर तो सोलह हो गई उधर आप क्या करेंगे वो नाइन सी की एफ आई आर है और उसमें आपने पता नहीं उस पर आई समेत क्या डाली है तो वो तो उसकी कंजम्पशन तो वैसे ही बैंड सब्सटेंस है तो वो आप क्या करेंगे सो so उसकी तो माफ़ी कोई नहीं दे सकता ना मुझे याद है यहाँ पर एक दफा एक कौन सा केस हुआ था बड़ा आई थिंक कांजू कत्ल केस ही था शायद अब वो वंस अगेन उस केस में मैं फर्स्ट टाइम टीवी पे बोला था और जिस लड़के से वो कत्ल सरजद हुआ तो मेरे साथ एटसन में पाँच छः साल पड़ा था बल्कि उसने राजगी का इजहार भी क्या की? हुआ था वाक्य वो स्मार? सर बेसिकली अगर आपको याद हो तो वो मुझे अब उसकी उस तरह फैक्ट तो नहीं याद लेकिन ये था कि वो उससे गाड़ी के नीचे आके कोई या उस उसमें तुम तड़ाक हुई थी और उसके बाद गार्ड ने को फायर शेयर कर दिया था और बच्चे की या किसी की डेथ हुई थी तो वो फिर ही ही रिमेन बिहाइंड बार्स बल्कि वो इन ये इन्हीं फैमिली में से था और उसका सबसे छोटा भाई तो मेरा बड़ा अच्छा करीबी दोस्त और बड़ा प्यार उससे तो अब प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर भी एक परसेप्शन बन गई थी इवेंचुअली जब उनको वहाँ से रिलीज़ किया गया तो उसके बाद स्टेट बड़ी एक्टिव हो गई थी तो स्टेट ने क्या कहा कि जब हम इसके ऊपर ये विटनेस को रिजाइल करने का करेंगे ये करेंगे वो करेंगे और एक दूसरा तरीका जो आम स्टेट इस्तेमाल करती है कि जब ऐसा मसला हो तो उसमें दहशत गर्दी की दफा लगा देती थी दहशत गर्दी जो है वो कंपाउंडेबल नहीं है अब इधर अगला नुकसान होता है कि दहशत गर्दी का जो फैंस है उसका बुनियादी मकसद दहशत गर्द पकड़ना है लेकिन आप पाकिस्तान में देखते हैं हर पॉलिटिशन पे लग रहा है दस बंदों की लड़ाई होगी नॉर्मल होगी नॉर्मल होगी जो असल जगह कभी भी नहीं वहाँ लगा होगा सुप्रीम कोर्ट की तीन जजमेंट्स आ चुकी है अब रिसेंट एक जजमेंट एक और आई है तो उस यानी हर लॉ को डिफरेंटली इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के इंस्टेंस में जो रिपोर्ट हुआ है उसकी एफ हो एफ के साथ अगर स्टेट समझती है कि जी हमने इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लाना है तो स्टेट इस चीज़ को तो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकती कि इसने एक गुनाह किया है जिसका ऑफकोर्स आगे से वो माफ़ कर सकते हैं उसमें तो नहीं वो इतना आगे जाएगी लेकिन साथ अगर वो इतनी सीरियस है नाकोटिक्स में तो आप देखिए नाकोटिक्स वाले पर्चे का क्या बनता है अभी जो आपका वो था मोटर हादसा हुआ और उसी के ऊपर फिर एक बना ड्रामा बना हादसा सर तो उसको फिर आपने आ, वो ड्रामा बैन करवाया गालिबा और फिर मैं मेरे यूट्यूब वगैरह से भी रिमूव करवाया क्या पूरा वाक़ा था अब तक क्लाइंट वो कैसे पहुँची मैं वही जो विक्टम थी उनकी तरफ से ये सारा किया गया सर वो एक ना बड़ा एक लाइफ का एक अजीब इंसिडेंट था मेरे एक जानने वाले हैं उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको मिलना है बल्कि मेरे एक तो सात कज़न है बड़े फैसला बात से उन्होंने कहा मैंने आपको मिलना है तो मैं कहा कल आ जाए नहीं रात को ही मिलना है खैर मैं रात को अपने ड्राॅइंग रूम में बैठा हुआ था तो पहले एक साहब आए दूसरा साहब उन्होंने मुझे बता दिया कि इसका तो सारा कि इस तरह ड्रामा चलाया एंड सडनली जो एक मेरी ड्राइंग रूम में ख़ातून वॉक इन करके आई और वो वही थी जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था अच्छा उनको देख के ना पहली दफ़ा जिंदगी में मैं किसी शख्स को देख के बहुत इंटीमिडेट हो गया बिकॉज चेहरा देख के ग्रीफ और एक गुस्सा और एक अजीब सिचुएशन थी तो खैर आके बैठी बाकी तो मैं बड़ा जिस तरह वकील बोलते हैं बोल रहा जब उनसे मैं बात करूँ तो मेरे से बात नहीं हो रही थी एन सी सेट कि आप ये केस करेंगे मैं कह जी इनशाला ज़रूर करूँगा एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग और उसने अपना सारा बताया और मैंने फर्स्ट टाइम उनसे वो इंसिडेंट सारा सुना जो मोटरवे पे हुआ जो कि मैं बता भी नहीं सकता मतलब मुझे नहीं नींद आई उस रात इतना वो खौफनाक इंसिडेंट है उसने कहा जी आप जब ये ड्रामा बनाए तो वो ड्रामा एक पाकिस्तान के लीडिंग चैनल ने बनाया है और उस ड्रामे में ये कैसे हो सकता है कि सारी सिमिलैरिटीज वही आ रही हैं जो मेरे वाकई की हैं मसलन जो एक्ट्रेस और जो जो थी वो भी बड़ी प्रोमिनेंट थी exactly. वो चल भी रहा था ड्रामा नहीं ड्रामा बहुत हिट था हाँ। देखिए मैं ड्रामे को डाउट इसलिए नहीं करूंगा वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी ने बनाया हाँ। था और उसका मकसद बिल्कुल यही होगा कि इस पर आगाही देना लेकिन होता ये कि जब आप आगाही दे रहे होते हैं तो एक राइट है इंडिया में इस्टेब्लिश हुए जो स्टूडेंट्स इंग्लैंड में भी राइट टू बी फोगाटन अच्छा जी क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो गया तो अब टीवी पर डेली रात को आठ बजे खबर चल रही है उसकी या उसका ड्रामा चल रहा है तो आप कैसे भूलेंगे असल तो सबसे बुनियादी आपका राइट है तो ये हमारे यहाँ नहीं है नहीं वो फिर हमने इस केस में उसको लेके गया ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया बिकॉज हमने पैमरा से इसको जब दरखास्ती उन्होंने सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि नहीं अभी आप चलाएं सारी किस्तें चल गई उसके बाद ये फिर केस दोबारा गया काउंसिल काउंसिलफ कम्प्लेंट्स काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने मुझे सुना तो वहाँ पर अजीब सी बहस शुरू होगी उन्होंने कहा जी आप ये देखें ना इस पर ट्वीट्स हुई जर्नलिस्ट ने क्यों ट्वीट्स की ये तो ऐसे लगता है जैसे फलाना मैके जी आप लिख दें मुझे आप क्यों बता रहे मैंने कौन सा खुद ट्वीट किया मैंने तो एक ट्वीट भी नहीं की इस पर खैर वो इवेंचुअली उन्होंने फैसला मेरे हक में किया और ये कहा कि इसको यूट्यूब से भी रिमूव करें सब से भी करें और ये चीज़ एक्सेप्ट की कि जो आइडेंटिटी है उसकी विक्टिम की या विक्टिम का जो राइट है उसको आपने ट्रॉमा में से दोबारा गुजारा है नंबर वन नंबर टू ये कैसे है कि उसका जो प्रोमो है उसमें वो रोड जा रही है रोड के साथ ही वो रेप का इंसिडेंट हुआ है अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आपने तो वो, तो वो आप विक्ट्री। विक्ट्री पाकिस्तान में भी कानून है आपको बताया कि उनको कैसे पता चला या किसी ड्रामे ने किसी ने उन्होंने बताया उन्होंने खुद देखा किस तरह से हुआ था उनको जैसे पता चला वही इस केस का सबसे बड़ा टेस्ट था वो ये था कि जो शख्स वो ड्रामा देखता था और इनको जानता था सबसे पहले इनको क्लिप भेजता था ये तो आप की स्टोरी नहीं है तो मैंने कोर्ट में यही बात थी होती हो कि आप उस खा को एक दफा मिले आइडेंटिटी है जिसको हमने नहीं उसका कोर्ट में भी उनका नाम नहीं लिया और मैंने एक वकील साहब है खदीजा शदीद की उनके थ्रू फाइल की उनका नाम नहीं आने दिया सामने तो आप परेशान हो जाएंगे किस तरह सर्वाइव करे और कभी वो इंसिडेंट आपको सुनने का मौका मिल जाए कि कितना को बड़ा वो बारबेरियन होगा जिस आदमी ने वो काम किया उसके साथ मोटेवे इंसिडेंट पे इन फ्रंट ऑफ हर थ्री किड्स तो आप परेशान हो जाएंगे ऐसी जेनियत होने के लिए भी पाकिस्तान या कहीं पर भी दुनिया में कैसे कोई एग्जिस्ट कर सकता है मैं इस इंसिडेंट को इस सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं करूँगा पूरी दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं दूसरा मुझे थोड़ा सा मौका मिला है कि जब एंटी रेप एक्ट बना ये पीटीआई की गवर्नमेंट में तो उस टाइम पे आई वज़ पार्ट ऑफ द स्टेयरिंग कमेटी इस लॉ को सारा हमने खुद बनाया और अब भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो चल रहा है लॉ हमारे उसामा मलिक साहब हैं फिर एक वो मैडम हैं जो नेशनल कमीशन की इंचार्ज हैं वो उसको चला रही हैं सो आयशा रजा फारूक साहब बड़ा अच्छा उनका काम है तो इस कानून को बड़ा करीब से देखने का मौका मिला ये जो इंसिडेंट का सर्वाइवर होता है अव्वल तो उसको आप विक्टिम कहते ही नहीं है सर्वाइवर कहते हैं सर्वाइवर उसका जो हालात होते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो एक सिर्फ इमोशनल रेप सॉरी आपका फिजिकल रेप नहीं होता इट्स एन इमोशनल इंसिडेंट दैट यू गो थ्रू और आपको बिल्कुल टेर अपार्ट कर देता है वो मैं तो खुद हैरान हूँ कि उनका यहाँ पे रहना चीज़ें देखना बहुत मुश्किल हो गया होगा बस जी उसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और जिस तरह फिर इसी केस के दौरान मैंने देखा कि उसको ये फीलिंग आई कि मुझे पाकिस्तान में कोई इंसाफ़ मिला पहले तो उसको कोई अच्छा वैसे ये फर्स्ट केस है अपनी नोयीत का जिसमें मैंने ये देखा है कि ये सर्वाइवर क्योंकि तो हम क्या से अब सर्वाइवर वाली बात कह रहे हैं मेरे भी नॉलेज में इसमें इजाफा हो रहा है कि उनकी जो शनाख्त है वो नहीं सामने आई नहीं आनी चाहिए ये तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और इंटरनेशनली वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी रेप के सर्वाइवर पर प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे ना कि जी ये मेरी स्टोरी हो सकता है वो अपनी स्टोरी आपको सेल करना चाहती तो है। इन्होंने क्या कहा जो चैनल वाले थे कि हमने पता ही इन्होंने कहा जी अव्वल तो हमने उस पर बनाया नहीं हमने बनाया हम, नहीं हमने, ये हमने, के 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 जी, हमने तो उसके स्टोरी है हमारी तो अपनी स्टोरी है ये तो हमने खुद सोचा है सारा बहरहाल उनकी राइट है, अच्छा उसके फैसला क्या है? फैसला और साथ साथ उन्होंने अपील करने का बिफोर लाहौर हाईकोर्ट चूंकि काउंसिल ऑफ कम्प्लेट्स को थोड़ा मैं इसलिए समझता हूँ खुद भी इसका चेयरमैन रहा हूँ दो तीन साल तो हमने सुननी है तो वो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम और इस्लामाबाद के फोरम ने मुझे इंप्रेस किया मैं जब आर्ग्यू करके आया हूँ केस तो मैं अप... इतना खास इंप्रेस नहीं था बिकॉज बहुत सख्त है मेरी तरफ सारे लेकिन बाद में फैसले देकर उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि पाकिस्तान में इंसाफ है तो ये क्या है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और क्या काम है और आप वहाँ पर रहे तो क्या देखा क्या मैंने फर्क भाई पाकिस्तान में ना सिर्फ सरकारी दो तीन चीज़ें देखी हैं जिनके ऊपर मैं खुद रहा हूँ एक तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड था दूसरा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन थी उसका बोर्ड पे था मैं और तीसरा ये था ये मुझे बड़ा शौक था पैमरा के मीडिया लॉज बल्कि मैंने खान साहब के भी ज्यादा केसेस मीडिया रिलेटेड ही किए हैं पैमरा ये वो तो मुझे मौका मिला टू सर्व एज हमारे मिनिस्टर थे चौधरी फवाद हुसैन साहब उन्होंने कहा कि जी बस आपने ये काम करना है और मुझे चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लगा दिए अब चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स एक अनपेड जॉब है उसमें आपको बेसिकली वंस अ मंथ एक कोर्ट कंडक्ट करनी होती है अपनी उसमें पाँच मेम्बर्स और होते हैं छठा चेयरमैन होता है और आपके पास केसेज आते हैं ऑन एयर कॉन्टेंट के कोई भी जो टीवी पर नेशनल टीवी पर आता है या लेट से ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2015 का वो आपने इन्फोर्स करना होता है और उसमें मुख्तफ चीज़ें हैं कि जी अगर लेट से किसी ने किसी से मौक़ नहीं लिया बात करने से पहले किसी ने गलत बयानी की किसी ने डेफेमेशन की कुछ किया तो आप उसको फ़ाइन कर सकते हैं है। उसमें सेंशोर भी कर सकते इस हैं कौनसल के पास ये सारा इख्तारख के पास जब आप वहाँ पर थे तो कौन कौन से केसेज आए इस तरह के जो सर बड़े इंटरेस्टिंग केसेज आए और मेरे लिए यह था कि एक केस था जिसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत एक लीडिंग एंकर हैं वो खुद पेश हो गए तो आके बैठ के, के जी आपने हमारे चैनल को क्यों बुला लिया केस क्या था।, था सर केस बेसिकली ये था कि उन्होंने एक बड़े मजे से एक न्यूज़ दे दी और वो टोटल फेक न्यूज थी या गलत न्यूज थी ठीक है तो दूसरी पार्टी ने जिन जो उससे इफेक्ट हो रही थी उन्होंने कहा जी ये तो ज्यादा इस चैनल ने चैनल को आप सू कर सकते हैं तो अब उन्होंने ये किया कि वो खुद आ गए उन्होंने कहा जी कि मैं देखता हूँ तो मज़े की बात हुई कि जब आके बैठे सामने आके बैठ गए हाँ जी हम ऐसे काउंसिल बैठी थी और मेरे साथ बड़े पढ़े लिखे लोग थे काउंसिल में एक सारा अहमद ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाली जो चेयरपर्सन है वो है सहार बंदयाल एक एडवोकेट हैं दो तीन और लोग बड़े पढ़े लिखे तो और कैसे मेरे सामने बैठे तो मैं इतराम खड़ा हो गया क्योंकि उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ तो मैं फिर बैठा तो उन्होंने कहा आप अपना तारुफ़ कराएं आपको कहा कर? हाँ जी अच्छा मैं लेफ्ट हाइड देखा कि पता नहीं मेरे पीछे को बंदा बैठा हुआ है मैं कह जी मैं वो क्या कहते हैं चेयरमैन हूँ ये मेरे साथ पांच मेंबर हैं जिना आपकी मेहरबानी हो तो आप खैरियत से बताएं आप क्यों आए हैं उन्होंने कहा कि हमारे चैनल को आपने नोटिस किया तो हम आ, मैं खुद आए एक्सप्लेन करने कहा जी ठीक है मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है आपको तो हम टी वी सुनते हैं खैर उनको मैंने कहा जी बताएं उन्होंने कहा जी कि पहली तो बात यह है कि ये न्यूज़ मैं कल था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के साथ बैठा हुआ ये तो मुझे उन्होंने न्यूज़ बताई थी तो मैंने टी वी बता दी कहा जी बहुत अच्छी बात है फिर फहरिस्त गवाहान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उससे पता नहीं कौन थे उनका नाम लिख दें उनको बुला लेते हैं अच्छा उन्होंने ना मुझे देखा कि ये तो किसी और मोड में फिर कहते है, फिर मैं शाम को खान साहब के साथ चाय पे था उन्होंने मुझे कहा जी, ये तो ऐसे है तो मैं कह जी मोहतरम इमरान खान साहब का नाम लिख लेते हैं उनको फेरज गा वजी थे तो उनका ख्याल था तो कि मैं अब दोनों साइड से चेक करूँ कि कहाँ से मूव होता है क्या आर्मी चीफ से होता है ना तो अब सही बात है दोनों का क्या ताल्लुक है उन्होंने इनको बुला के थोड़ी बताना थी न्यूज खैर अच्छा उसके बाद वो चुप कर गए फिर उन्होंने अपना केस बताना शुरू मैं कहा आप अपना केस बताएं जब उन्होंने अपना केस बताया मैंने दूसरी साइड से कहा जी इतने सीनियर एंकर हैं आप इनको माफ़ करते हैं इस बात को कहाी जरूरत नहीं है हम माफ़ करते हैं मैं कहा, सर आपको कोई रियलाइजेशन है कि आपने इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी एक और गलत थी गलत थी कहते हैं मैं करता हूँ उसकी ग्रेटनेस थी ये अच्छा उन्होंने मान ली तो खैर वो बात तो खाता खैर बाहर निकले हमने उनको चाय शाय भी पिलाई और बताने का मकसद ये है

बैठे काउंसिल में गाली निकाल दी किसी को नॉट हमें से किसी को एक ऐसी रैंडम नहीं, नहीं टीवी पे गाली निकाल ली उधर बैठ के हाँ, ना, ना 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 केस करने आए ना तो हाँ, उनको हमने उनके चैनल को बुलाया तो चूंकि उनका प्रोग्राम तो वो ही आ गए तो उन्होंने कहा जी के, आई जस्ट डोंट पता नहीं वो वर्ड बोल सकता उन्होंने कहा जस्ट डोंट केयर कि किसी बास्टर्ड ने मुझे किस तरह बुला सकता <laughs> यानी आप लोगों का ना ना, ना वो जिन्होंने नोटिस दिया तो अच्छा, में था, मैं फिर था। <laughs> था। मैंने कहा सर ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना ये मैं अभी ऑर्डर में लिख देता हूँ तो आगे ऊपर हाई कोर्ट जाएगा तो आपकी तो माशा आप इतने पढ़े लिखे तो वो भी फ़ौरन कहते यार नहीं ये आप रहने तो मैं कह वो तो मैं रह देता हूँ लेकिन आप पहले थोड़ा सा जमीन पे तो आए हम सारे अल्लाह माफ करे इंसान है ऑनस्टली मैं इंसान है आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं अपने खैर वो शर्मिंदा हुए वो एक ऊपर से आने वाला जो एक रिवाज होता है तो मैंने कहा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं तो आपका प्रोग्राम क्यों नहीं छोड़ता आज से छोड़ूंगा क्योंकि आपने हरकत नहीं ठीक है ये आप इसको विद्रॉ करें उन्होंने कहा जी, मैं ये गाली विद्रॉ कर वापस लिखा कि ये खातून बैठी हैं और ख़ातन बल्कि दो चार बैठी हैं तो वो थोड़ा सा अनकॉम्फ्टेबल हो गई हैं उन्होंने कहा आप एक काम कर इस केस को इस्लामबाद शिफ्ट करते हैं वहाँ आता हूँ मैं कहा जी अभी ऑर्डर करते हैं लेकिन वो गाली लिख दूँ बीच में कहा नहीं 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 सॉरी माजत इसी तरह एक मिनिस्टर साहब थे उनका मुझे फ़ोन आ गया मेरी प्रोसीडिंग्स के दौरान अब वो जब फ़ोन आया तो वो कैमरा वाले भागते हुए मेरे पास फोन लेके आया कि सर वो फ़ोन आ गया मैं सर से बात करना हाँ, पंजाब तो मैं जी खैरियत है उन्होंने कहा जी कि इस केस में आप एडजर्न कर दें मैं जी क्यों एडजर्न कर दूँ अब वो ऐसे तो मैंने फोन स्पीकर पर किया उधर माइक लगा होता तो मैं जी सारे बोले ना छः बंदे मैं अकेला थोड़ी हूँ आप बताएं बस आप इसको एडजर्न कर दें मैं क्या सर थैंक यू भाई एडजर्न नहीं होगा उस वक्त मैं उसी वक्त फैसला डिक्टेट कराया और लिख दिया वो बाद में बड़े नाराज हुए खान साहब तक भी गए मैं मैके जी मैं कौन से तनख्वाह ले कर बैठ रहा हूँ फलाना एंड सिमिलरली बहुत सारे केसेस थे जिसमें मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे मज़ेदार वाक़ बता सकता हूँ जिस तरह मतलब मौलवी हजरात आ जाते थे वो नाराज़ हो जाते थे बहुत सारे ऐसे वाक़ थे तो आ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा आपने काम किया वहाँ पर कोई फ़ाइन किया या कुछ ऐसी चीज़ें की जो पहले नहीं हुई थी सर सबसे पहले तो जी एक तो ये था कि एक फ़ाइन जो मैं मतलब मोटे मोटे मुझे इंपॉर्टेंट मेरे याद है एक तो ट्रांसजेंडर का केस था निशा राव का उसके अंदर हमने उसका आपको याद होगा मेखल अब्दुलरजाक साहब थे या किसी और साहब ने थे एक तमस्कर उड़ाया कुछ हाँ किसी प्रोग्राम में आया बिल्कुल कहाँ मैं चूंकि एग्जैक्ट नाम उस तरह याद नहीं वो मेरी बस जजमेंट है मेरी रिपोर्टेड जजमेंट है तो वो मैंने सबसे पहले दिया था कि आप ये काम नहीं कर सकते और टीवी चैनल को फाइन किया था कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जो ख्वाजा सरा है एक तो आप इनको वर्ड खुसरा नहीं बोल सकते ये हमारे कानून में अब आ गया है इफ्तखार चौधरी साहब की जजमेंट है कुछ अच्छे कामों में से उनके एक अच्छा काम ये भी है तो मैं कह वो आप नहीं कर सकते दूसरा आप किस तरह तमस्कर उड़ा सकते उस पर फ़ाइन किया था दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था कि जब ये औरत मार्च होती है तो औरत मार्च की खातन को आके बड़े तजलीज अमेज अंदाज में रेफर किया गया उस पर मैंने कि जी आप इस तरह को पता नहीं झंडा कौन सा उठाया उनका जो झंडा है ना उसकी सेम्बलेंस अच्छा। तो उस टाइम पे फ्रांस का मसला बना हुआ था वो पाकिस्तान में सफारत ठीक ठीक ठीक। तो इन्होंने किसी ने आगे कह दिया कि ये तो सेम फ्लैग उठाया पाकिस्तान की खातन सारों को एड्रेस कर दिया कि उनको उठा के लोग मारना शुरू कर देंगे फ्रांस में हुआ थी खुदा न खासा गुस्ताखी तो उसके ऊपर किया सिमिलरली फिर मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट था डिग्निटी ऑफ फीमेल्स जो है मसलन एक वो आपको एनिमल राइट्स पे सॉरी ये एहसन साहब है उनका शो होता है वो मुझे उनका नाम बड़े मुझे एहसन खान एक्टर है मेरा एहसन खान जी जी उन्होंने वो एनिमल्स जो है ना उनको अपने शो में इस तरह उनके पीछे भागे और उनको पेट्रीफाई किया कि वो एनिमल घबरा गए खरगोश थे लाइव है ना कभी उठा रहे हैं कभी फेंक रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं अब हमारा एक कानून था क्रूल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स एक्ट ठीक है तो वो मैंने कानून निकाला उसमें एक बंदा आ गया उसने कहा कि ये बड़ी ज्यादा हुई है और ये किस तरह आप एनिमल्स को इस तरह कर सकते हैं उस पर हमने फिर उनको फाइन किया कि कि एनिमल फाइन फाइन किया किया बिल्कुल जी साहब की एक जजमेंट थी और वो बड़े परेशान हो गए ये आप लोगों ने कैसे कर दिया फलाना हम तो उनके साथ प्यार कर रहे थे वो एक्चुअली उस कानून में लिखा हुआ है कि आप एनिमल्स को इस तरह पेट्रीफाई नहीं कर सकते कि हमें लग रहा होता है वो प्यार कर रहे हैं आप प्यार कर रहे हैं लेकिन वो उनके साथ प्यार हो नहीं रहा लेकिन वो प्यार हो नहीं रहा था वो एक वो जजमेंट थी वो बल्कि इंटरनेशनली बड़ी रिपोर्ट हुई और बाहर की मतलब तो जो कौंसल है ये बड़े काम की चीज है सर, अगर इसमें काम यहाँ तक लोग पहुंचे और काम करने वाले भी हों तो ये काम की चीज़ है सर ये इसका प्रोसेस जो है ना जी शॉर्ट लिस्टिंग आप तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि आप इंटरव्यू वगैरह करें इसमें एमिनेंट पर्सन या पर्सन ऑफ एमिनेंस आपने लगाना है ऐसे नहीं कि आपने उठाकर किसी बंदे को लगा देना आई एम नॉट सेइंग कि मैं पर्सन ऑफ एमिनेंस हूँ बट इसका जो तरीका कार लगाने का था ना आई मस से कि जो मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन थे चौधरी फवाद उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको लगाया था तो एक फर्क भी देता हूँ इसके एक साल में डिसाइड होते थे चालीस पचास केस हमने अपनी पहली मीटिंग में 65 फाइव जजमेंट्स लिखवाई थी मैंने बैठ के एक दिन मैं क्या लियाओ कागज़ कलम उसने कहा सर कैसे लिखेंगे हम लिख लेते हैं मैं क्या नहीं इधर लिखे मैं कह जी मैं वकील बन के भी तो उन्हें जजमेंट नहीं लिखा सकता तो फिर मेरा की फ़ायदा है लिखो खैर वहाँ बैठ के हम सारे लिखते थे फिर उसमें बहुत बहुत हम चीज़ें हैं मतलब मुझे इस तरह रैंडमली उस तरह जजमेंट्स याद नहीं हैं यानी फिर खवातन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक दफ़ा बड़ी ज़्यादाती किसी ने उनको डरागटरी तरीके से रिफ़र किया उसके ऊपर हमने फ़ैसला दिया मेरी कोशिश होती थी कि पाकिस्तान में वो सरकारी महकमे जिनको अदरवाइज कोई इज्जत नहीं दी जाती या उनको बेचारों को एक बंदे की वजह से सारे इदारे को आप बढ़ा देते हैं उनको जरूर प्रोटेक्शन दिया जाए जिस तरह एक दफ़ा एक सुप्रेट जेल आ गए मेरे पास कि जी मुझे बारे में क्लिप चला दी है कि जना पता नहीं मैं राशि हूँ मैं फलान हूँ देखें बड़ा कॉमन है हाँ, आप तो क्लिप चला के चले जाएंगे मेरे खिलाफ चल जाए आपके खिलाफ चल जाए हमारा इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड्स है सो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नहीं आप आप लोग फिर क्या कहते हैं फाइन करेंगे फाइन करते हैं और मैं तो अपने उस पर कोशिश करता था कि मैं फाइन कम कर दूंगा अगर आप माफ़ी मांग लेंगे क्योंकि देखिए एक माफ़ी से ना एक आदमी की इज्जत बहाल हो जाती है वैसे तो हमारे पास ऑर्डर करने का इख्तियार भी था बल्कि एक वो फवाद साहब का बड़ा मज़दार केस था मिनिस्टर साहब का मिनिस्टर साहब कहीं टीवी प्रोग्राम कर रहे थे बैठे हुए तो उनके सामने वो ड्रिंक रखा हुआ था उन्होंने ये नहीं होता जी मॉल्ट कौन सा जो ठीक है। जो नॉन एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक लेकिन टीवी पे चल गया टीवी पे चल गया जी के चोई साहब जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम कर रहे हैं फलाना उन चारों को पता भी नहीं उन्होंने खैर फिर उन्होंने खुद कंप्लेंट फाइल की वो भी हमने टेकअप की थी अब ऑफ कोर्स उस कंप्लेंट में लोगों का ये ख्याल था कि जो सिटिंग मिनिस्टर हैं लेकिन वो थी जाती उनके साथ वो भी हमने कोशिश की कि, कि, कि किसी उस टाइम के एक्स सॉरी एक अपोजिशन का एम था वो एक दफ़ा मेरे पास आया गया उसने कहा जी कि मैं कंप्लेंट फाइल की और हमारी बड़ी बेस्ती की है लोकल उधर पुलिस उसने मीडिया वालों ने और एट द बेहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी की है तो आप ये केस सुनेंगे मैं कह अगर आपने फाइल कर दी तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा और ये आप कैसे कह सकते हैं नहीं? और उसमें भी अलहमदिल्ला उसको रिलीफ थी सो मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि अक्रॉस द बोर्ड मतलब मेरे से कोई ये गिला नहीं कर सकता टी वी बैठ के जिसने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में हमारे खिलाफ फैसला किया हमारे हक़ में किया हो सकता कोई आदि कम्प्लेंट रहेगी बल्कि दे वर ऑल वर वेरी हैप्पी स्पेशली मीडिया वाले तो मेरे से बहुत ही खुश थे कि यार ये आपसे वो सवाल पूछते हैं जो आपसे लोग पूछते होंगे इमरान खान रिहा कब होंगे आप उनके वकील भी हैं लेकिन आप बेशक ये केसेस नहीं देख रहे लेकिन एक मैं वैसे जनैरिक आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना एवेंचुअली मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी रहा हो गए इमरान ख़ान भी रिहा हो गए दस साल बाद का एक सिलेबस होता है उस सिलेबस में एक वजी अजम ने अंदर जाना होता है बाहर आना होता है तो ये उसे भी आ जाएंगे सिर्फ फ़र्क ये है कि ही इज़ बीग मोर रिजिलियंट वो कहते हैं ना वो गुजराल साहब ने एक दफ़ा शेर पढ़ा था कि किस धज़ जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आने जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं सो मेरा मकसद ये है कि जेलें तो इधर होनी है वज़्रज़म को एक बेचारे को आपने फांसी दे दी उस पर आज आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने तो नहीं कहा कि गलत फैसला था फिर नवाज शरीफ साहब का आपने केस टेकअप आप किया के। उस पर भी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वंस अगेन आपकी अदालतों ने उनको एक गलत सज़ा दी और उसके पीछे अनफॉर्चुनेटली हमारी पोलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा होती है कोई ना कोई जो कि खुद ये चीज़ें काट के आ गई सो मुझे नहीं लगता लेकिन आई थिंक इवेंचुअली अब जितना टाइम गुजर गया है अब टाइम मैटर नहीं करता इवेंचुअली तो किसी ना किसी टाइम पर आ जाना बट आई फील के मंथ्स की गेम रह गई है अच्छा जो लगता है सर तो ये जो जजेस को जजेस की तादाद बढ़ाने की बात है सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है सर मेरे मैं उसके ओपिनियन इसलिए उसके खिलाफ हूँ कि आपने अगर तादाद बढ़ानी है तो आप नीचे जजेस की तादाद बढ़ाएं बढ़ाएँ कोर्ट में एडिशनल में, में और फिर हाई कोर्ट में आएँ ये जो जजेस का तादाद है ना इसका इम्पेक्ट कॉस्ट का बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम क्या आ रहा है प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि सतारा जज जो हैं वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उन सतारह में से आपने दस जजों को पोलिटिकल केसेस सुनने पर लगाया हुआ है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे एंड परहैप्स वन ऑफ़ द बेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाई बिकॉज उन्होंने अपने टाइम पर पेंडेंसी कम की सिर्फ इस्लामाबाद की एक रजिस्ट्री के अलावा सारी जगह जीरो कर दी थी आप सुबह बैठाएं थ्री मेंबर बेंच उसे कहें रात को अगर अदालतें खुल सकती तो रात तक चल भी सकती हैं लगाएं मर्डर अपील्स एक दिन में मेरा ख्याल चालीस चालीस पचास पसंद अपील यहाँ पर उड़ा सकते हैं आपको अगर एक बंदा बल्ले का निशान लेने के लिए रातों रात अपनी अपील लगवा सकता है या एक बंदा उठ के कोई अपना पॉलिटिकल केस लगवा सकता है तो, तो पाकिस्तान क्यों नहीं पाकिस्तान की आवाम के मसले जो हैं वो ये बल्ला और ये सारे केसेस तो नहीं है नहीं। उनका मसला तो ये कि एक बंदा अंदर है दो हजार तेरह से या दो हज़ार तीन से वो कह रहा है जी मेरी अपील अच्छा अपीलों में क्या चीज़ चल रही है नई कि जी आज कल चल रही हैं सतारह की अपीलें ये कभी दुनिया में कि सुना है मुझे आसिफ शीत खोसा साहब जब चीफ जस्टिस बने उन्होंने बुलवाया कि यार कोई रिफॉर्म्स वगैरह सजेस्ट करो ही टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा जब इंग्लैंड में कोई केस क्रिमिनल चलता है तो आज डेट मिलती है अक्टूबर की लेकिन वो मिलती है सात दिन की लगातार ट्रायल खत्म हो जाता अब यानि देट देट तो है यानी आपका आपका एक डेट लग गई तो काम खत्म क्रिमिनल बैठा हुआ इंतजार में कि जी या जो भी चार्ज है कि जी बस ठीक है सो मेरा कहने का मकसद ये इस मुल्क का जो इंसाफ का निज़ाम है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना एक तो तखिर है और दूसरा ये है कि आप उनको केसेस सुनने नहीं दे रहे आपने तादाद बढ़ानी नीचे बढ़ाएं ताकि नीचे से केस ऊपर आए ना और दुनिया की कौन सी सुप्रीम कोर्ट है जिसमें हर केस आता हो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक साइकिल का केस भी ऊपर जा रहा है तो ये जो बहस है कि कोई आइनी वैसे तो ये सारी अदालतें भी आईनी है लेकिन कोई इस तरह की कोई अदालत बनेगी जो ये वाले केसेस देखा करेगी ये ये अफवाह है ये हो सकता है और हो सकता है तो क्या मुमकिन है इसकी गुंजाइश है मुमकिन का तो मुझे आइडिया नहीं शायद बन सके आईनी तरम चाहिए होगी इसके लिए लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इज नॉट अ बैड आइडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है उसमें बारह तेरह केस जाते हैं साथ में लेकिन हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है तो इसी तरह पाकिस्तान का एक सुप्रीम कोर्ट हो जो ये काम करे उसमें जिस तरह आपने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाया इस तरह तीन जज को आप बिठा दें कि जी वो बैठ के सिर्फ आईनी केसेस सुने और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईनी केसेस ज्यादा हर बंद ने तो आईनी मसला बनाया हुआ हुआ है बनाया तो किसी का मसला तो कि आइन जो है वायलेट हो गया तो अगर ये बन जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं मैं तो पर्सनली इसके हक में हूँ ये कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है उसकी वजह ये कि वो फिर कॉन्सेंट्रेट करेगी उस चीज पर ठीक है ये नहीं होगा कि वो कहेंगे कि जी अभी हम आई नहीं केस सुन रहे हैं साथ ही अगला केस जो है वो कहेंगे जी कि मकान का कब्जा वापस लेके दो उनका काम स्पेसिफिकली वो किसी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन हुई है पहले माजी में मेरा नहीं ख्याल देखें चीफ जस्टिस जिसका टाइम खत्म हो जाता है वो चला जाता है बिल्कुल जिसका टाइम आ जाता है वो आ जाता है अच्छा आपको एक और इंटरेस्टिंग एक्स्टे, चीज़ दो एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट ना वो चीफ जस्टिस साहब ने इस पर अपना फैसला दिया हुआ है पुराने साहब का चीफ जस्टिस ने कि यह गलत कॉन्सेप्ट है ये इस्लामिकली भी गलत कॉन्सेप्ट है एक एक्सटेंशन इसकी बुनियाद सर ये है कि जिसका जो रोल है वो करके आगे निकले ताकि पीछे जो जनरे अगर आप लोग एक, है वो आ गया आप दे 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 हैं वो आगे आप एक्सटेंशन दे देते हैं छः छः साल की जो पीछे से जजेस आ रहे हैं उनका क्या कसूर है जो यंग आ रहा है जो यंग ब्लड आ रहा है या फॉर देट मैटर आप सरकारी मुलाजमन की तरख सॉरीज कर देते हैं सिक्सटी सिक्स छः साल में पीछे एक बंदा है जिसने आई जी बनना है जिसने चीफ सेक्रेटरी बनना है उसको आप डिले कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मेरा ख्याल मरल है लेकिन इसको साठ पे लिमिट करना चाहिए जो एज है मजीद ना बढ़ा आपके ख्याल में किसी की ये महराज होती है कि वो चीफ जस्टिस बनता है

वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ तो फिर उससे बेहतर है मैं रिज़ाइन कर दूँ जो कि रेजिगनेशन का कॉन्सेप्ट है ना दुनिया में वो भी होना चाहिए कि अगर आपकी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रेन का वजह रिज़ाइन करे बजाय इसके कि आपका ट्रेन का वजीर ये क्या कि मैं ड्राइवर तो नहीं था उसका ये हमारे वजीर साहब ने कहा था शेख रशीद साहब ने तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंडिया में आ गया पाकिस्तान में अभी रेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है वो कहते हैं नहीं जी हमारा क्या कसूर है अगर नीचे किसी ने की तो ये बेसिक उन्हें ये था जानी आपके ख्याल में ये है कि जस्सी जहाज साहब अगर उन्हें ये था मैं आगे चला गया बन गया तो वो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा आई तो थिंक वो स्टेज पर भी समझ रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे मुश्किल हो रहा था उनके लिए अच्छा। काम करना फॉर वट एवर रीज़न जो कि कभी ना कभी वो किताब शिताब लिखेंगे ज़िंदगी में तो अल्लाह उनको सेहत दे मैं तो उनको एक दफ़ा तो तो मिला भी हूँ काफ़ी कमज़ोर भी हो गए बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना मैंने ईमानदार और इतना ज़बरदस्त जज क्यों मैंने तो काम किया है ना उनके साथ वैसे भी उस्ताद तो वैसे भी अच्छा लगता है और इतना लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नैल का पढ़ा हुआ आदमी शायद ही अपनी जिंदगी में देखा हो आई होप कि उनका डिसीजन आज तो हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन इन टाइम्स टू कम आएगा बिकॉज बहुत समझदार आदमी थे सो उन्होंने फील किया कि अगर मैं एक चीज़ नहीं कर पा रहा या मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा अपने उहदे के साथ तो इट इज़ मच बेटर कि मैं रिज़ाइन करके तो ये चीफ जस्टिस बनने का जो अमल है जो जिस तरह से आया कि भाई ये वो आप इसको समझ देंगे ये मुनासिब तरीन अमल है अगर ये बाकी जगह पे भी देखें ये अमल बुरानी है क्योंकि जिस आदमी ने आना है अगर आपने किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया है तो वो साथ साथ फिर ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस बनने का भी अल है ये कैसे हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो ये फार्मूला कहीं और पे भी लग सकता है हमारा आर्मी चीफ या कहीं और पे मैं तो हमेशा कहता हूँ जी सीन्योरिटी प्रिंसिपल इज नॉट अ बैड प्रिंसिपल लेकिन हुँ. जब आप आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं लेट से आई पंजाब या किसी और कमांडर का जिक्र करते हैं वहां पर आपने सेलेक्ट करना है पांच के पैनल में सिर्फ द बेस्ट पर्सन जी देखिए ना आप दे एक बंदे ये एक डिफरेंट चीज़ का क्राइटेरिया डिफरेंट है वहां आप क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट्स नहीं करते वहां तो एक नीचे से बंदा आ रहा है फौजी बनता है ऊपर अब सिक्सटीन जनरल देर ऑल इक्वल बट आपने अपना सिपा सलार सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप जो सेटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी क्वालिटीज देखेगा कि मैं किस किस्म की पॉलिसी चाहता हूँ हो सकता है उन पांच लोगों में से एक बहुत जारहाना हो और एक बहुत डोसाइल हो वो चाहता हो इस वक्त सिस्टम इस किस्म का चल रहा है दुनिया में या पाकिस्तान में ही अ डोसाइल पर्सन लेकिन पाकिस्तान में तो सारी लड़ाई यहीं पर चल रही है इसी बात पर चल रही है ठीक है अगर कोई फार्मूला सेट हो जाए तो शायद लड़ाई खत्म अब हो गया ना जी आई थिंक टॉप फाइव में से आप एक को सेक्ट करते हैं जो नाम जाते हैं ये भी बेहतर है कि ये नहीं है कि एक का ही नाम दिया और वो लग गया ये जो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर डिस्क्रेशन ये बेहतर चीज़ है जो किसी जगह पर भी आए तो उसका फ़ायदा होता है फिर ये होता है ना कि फिर आप अपनी मनोवरेबिलिटी नहीं कर सकते बट आई स्टिल फील कि इस तरह की पोजिशन जो आई जीज हैं कमांडर्स हैं या आर्मी उसको है उसको इसी तरह से उसको आपको सिलेक्शन का इख्तियार होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि एक पैनल हो जिसमें सिलेक्ट करे वरना तो देखें ना जी ये हो सकता है कि ऐसा बंदा ऊपर आ जाए कॉन्स्टिट्यूशनल होद्दा एक डिफरेंट चीज़ है ये तो बात ही और है ना जो बंदा आज जाए इसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस ही ना हो या वर्किंग रिलेशनशिप ही ना हो उसने बिकॉज आइडियली वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत है चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर के मातहत नहीं है hmm. तो जो मातहत इदारे टेक्निकली स्पीकिंग हैं तो उनका आपको सिलेक्शन का इख्तियार तो होना चाहिए ये तो नहीं हो सकता कि वो एक बंदा आके आपके ऊपर बैठ जाए वैसे तो ये प्रिंसिपल जो है इवेंचुअली दुनिया में बहुत जगह पर आ रहा है सीनियोटी प्रिंसिपल लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी इन इदारों के लिए दो तीन इदारे जिनका मैं बता रहा हूँ इसमें नेवी है सब हैं टॉप थ्री में से आप एक सेलेक्ट करके लगा रहे आखिरी सवाल आपसे पूछ के हम इसे वाइंड अप करते हैं कि इन तीन चार सालों में ऐसा कोई तारीख़ी फैसला जो आपके दिल को लगा और आपने कहा यार क्या फैसला आ गया है? मतलब जिसमें मैं खुद वकील होंगे नहीं आपका वकील होना उसमें ज़रूरी नहीं है सर आप कह रहे हैं कि यार ये इन पाँच सालों में ये जो फैसला है इससे आगे इसके नतज़ निकलेंगे और बड़ा जबरदस्त फैसला है। एक तो सर अभी रिसेंटली मैं जो समझता हूँ जो आपकी मखसूस नशस्तों वाला फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला है है। वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की फ्रॉम फ्राम टाइम तो कम आपको उसका न, एक इफेक्ट नज़र आएगा बाकी पिछले पाँच सालों में मैं कोई इतना ख़ास कोई सुप्रीम कोर्ट का फैन नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी पिछले पाँच सालों में जो है ना जी तरले में तो बे रही है ज़्यादा और इस टाइम तो बिल्कुल ही मतलब उस तरह मतलब एक वो मुझे उस तरह

पॉलिटिकल साइन लिया जा रहा है सिंबल लिया जा रहा है या आप किस तरह की चीजें तो फिर मैं आप खुद सोचें कि उन फैसलों को किस तरह पढ़ सकता हूँ और मजे की बात वही जजेस बार बार कह रहे हैं कि हमने ये फैसला ये दिया नहीं है लेकिन जिनको दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो कह रहे हैं नहीं नहीं जी आपने ये नहीं दिया ये हमें समझ ही आया अभी फिर बल्कि वो एक हो रहा है बाई इलेक्शन तो उसमें वो फिर बैड सिंबल नहीं दिया तो एक आम तसुर तो ये है कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह इनके आने के बाद ये सारी हल्के खुल जाएंगे और सीटें वापस हो जाएंगी ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा आपको लगता है नहीं मैं नहीं समझता है कि सीटें या हल्के खुलेंगे देखिए सीटें और हल्के खोलना इलेक्शन ट्राइबूनल्स का काम वो चीफ जस्टिसों का काम नहीं है कि वो सीटें खोलते फिरें या सीटें बंद करते फिरें या सीटें ले किसी को देते फिर हैं ये उनके काम नहीं है चीफ जस्टिस का काम है आइन की पाबंदी करना और जो सुप्रीम कोर्ट की सेटल है उसके मुताबिक फैसले करना अगर तो वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरी आएगी और ट्राइब्यूनल्स जिनको आपने स्टे किया हुआ है अगर आप उनको बना दें तो उन्होंने साठ एक सौ पता नहीं क्या कहते हैं एक सौ बीस दिन में फैसला करना था तो वो आपने ट्राइब्यूनल स्टे किए हुए हैं आपने कहा जाके उनसे पूछे चीफ जस्टिस लाहौर से उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं वही पुराने जज रखना चाहती हूँ आप उसके इसको लगाएं नहीं लगा के फैसला करें ताकि इस मुल्क के अंदर जो सबसे देखिए आइन स्टार्ट होता है अवाम ताकत का सरचश्मा है अपने नुमाइंदान के थ्रू पावर एक्सरसाइज़ करते हैं हाकमियत अल्लाह तदात की तो वो जो नुमाइंदगान जिनके थ्रू उन्होंने पावर एक्सरसाइज़ करनी है उनके मामले को आपने स्टे किया हुआ है तो आप मुझे बताएं फिर किस तरह सीरियस लेगा कोई कॉन्स्टिट्यूशन को इनको करें ताकि ट्रिब्यूनल पंद्रह पंद्रह बीस बीस दिनों में फैसले करें और फैसले करके हमें पता लगे कि ये जो एक रोना है कि जी गलत है सही है उसका हमारे सामने है कि हमारा किसी ने मैंडेट चोरी किया है नहीं किया या ये बात दुरुस्त है नहीं जो है। भी है सच सजा ना कट्टी कट्टा निकले हाँ वो नहीं निकल पा वो नहीं निकल बहुत शुक्रिया आपका हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर वक्तन फक्ता जहमत देते रहें आपका पॉडकास्ट कैसा लगा अच्छा लगा बुरा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम अपनी गुफतु के मैय को बेहतर से बेहतर बनाते रहें अपने बेज़बन फोखा इसके जा दीजिए लाने के बाद